सांसद विनोद सोनकर गोली से उड़ाने की धमकी, सांसद के भांजे को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। मुकदमा दर्ज करके छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। निजी कंपनी में काम करने वाले युवक पर यह आरोप लगा है। युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। कौशाम्बी के सांसद हैं विनोद सोनकर। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। मुकदमा दर्ज करके पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और युवक के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। कौशाम्बी के सांसद हैं विनोद सोनकर। तो सांसद के भांजे को भी मारने की धमकी मिली है। दोनों को गोली से उड़ाने की धमकी दी गई है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इस पूरे मामले में मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। कौशाम्बी से सांसद है विनोद सोनकर। हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्या कुछ ये पूरा मामला है और जिन्होंने धमकी दी है उनके बारे में क्या जानकारी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री हैं और कौशाम्बी से बीजेपी के सांसद है विनोद सोनकर और उनके भांजे हैं आलोक प्रकाश। इनको धमकी दी गई है और धमकी देने वाला व्यक्ति उदय प्रताप है, जिसने सार्वजनिक तौर पर आरोप है कि धमकी दी है और कहा है कि आलोक प्रकाश को 5 और उनके सांसद मामा विनोद सोनकर को 8 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार देगा। इस मामले में सांसद के भांजे की ओर से FIR नवाबगंज थाने में दर्ज कराई गई है। अगर बात करें आरोपी की, तो आरोपी उदय प्रताप एक कंपनी में काम करता है और जो सांसद विनोद सोनकर है उनका भांजा आलोक भी एक ही नेचर की कंपनी में काम करते हैं और पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इसमें आगे तफ्तीश के बाद कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल विनोद सोनकर जो कि बीजेपी के सांसद हैं वो दिल्ली में इस वक्त हैं, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में शिरकत करने दिल्ली गए हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।